अब बच्चों आप करते क्वेश्चन नंबर 58, वेरी इंपॉर्टेंट, अटेम्प्ट करना स्टार्ट करिए। कबीर जोरावर एंड पारुल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। कबीर जोरावर पारुल पार्टनर्स हैं 5:3:2 में। मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ इसे। आगे देयर कैपिटल्स एज ऑन 1 अप्रैल वर दिस, उनकी कैपिटल इतनी इतनी थी। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड एज फॉलोज, पार्टनरशिप डीड क्या दे रही है, कबीर जोरावर विल गेट अ सैलरी ऑफ 24,000 पर एनम, कबीर जोरावर की सैलरी है। पारुल विल गेट कमीशन ऑफ 2% ऑफ नेट सेल्स, पारुल को कमीशन मिलेगी 2% नेट सेल्स की। अब आप जरा नोटिस करना, आगे नेट सेल्स दी भी रखी होगी, नेट सेल्स दे रखी है यहाँ पर कितने की, 50 लाख की, यानी 2% 50 लाख का। IOC 5%, IOD 5%, 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, 10% का डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल कौन सा होता है, जब ये लास्ट में लिखते हैं ना टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, इसे बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, यानी IOC सैलरी कमीशन IOD, इनको देने के बाद जो प्रॉफिट बच जाए उसका 10% कहाँ जाएगा, जनरल रिजर्व में। ओके आगे कहता है क्या, ड्रॉइंग्स बाय ईच ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर वॉज 60,000, ड्रॉइंग्स थी 60,000 की, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज 1,55,000, नेट प्रॉफिट था 1,55,000 का। ओके प्रिपेयर करना है P&L अप्रोप्रिएशन, जरा स्टार्ट कर दो मेरे साथ साथ, अभी आप जब करोगे आपको एक बड़ी मजेदार चीज मिलेगी। मैं जरा आइटम डालनी स्टार्ट कर रहा हूँ, बाय नेट प्रॉफिट कितने का, 1,55,500, 1,55,500 का, राइट right? अच्छा जी IOD जल्दी से दे दो, बाय IOD, बच्चों ध्यान रखना कि IOD हम 6 मंथ्स की लेके चलते हैं, IOD 6 मंथ्स की लेके चलते हैं। कबीर जोरावर पारुल तो कितना कितना है, कहाँ गया ये रहा, 60,000 की थी ना, 60,000 का 5% बट फॉर 6 मंथ्स, सर 6 मंथ्स क्यों, क्योंकि डेट नहीं दे रखी ड्रॉइंग्स की, तो कितना हो जाएगा आपका, याद आएगा 1,500, 1,500, 1,500, ये आ गया 4,500। सर इस बार आपने पहले ही टोटल कर लिया, मैंने कहा हाँ ऐसा क्यों, उसका रीजन बताऊंगा अभी। 1,60,000, 1,60,000, आप में से हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ने क्या करा हो, टू IOC सैलरी डालना शुरू करा हो, और मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, मैं इधर अभी नहीं डाल रहा है। सर क्यों बेटा, ज़रा नोटिस करो, कबीर जोरावर पारुल IOC कितना है, एक तो सैलरी है उनकी, ओके सैलरी दे दो, कबीर की कितनी है, कबीर और जोरावर की 24,000, पारुल की नहीं है, ये सैलरी आ गई। फिर पारुल की कमीशन है, तो कमीशन दे दो बेटा कितना, 2% ऑफ नेट सेल्स, 50 लाख का 2%, दैट वुड बी 1 लाख। फिर IOC दे दीजिए, IOC 5,20,000 का 26,000 हो गया, 3,20,000 का 16,000 हो गया, 2 लाख का 10,000 हो गया, ठीक है। और क्या देना है, और कुछ है ही नहीं, ऐसा मैंने क्यों करा जरा नोटिस करना, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 50,000, ये आ रहा है 40,000, ये आ रहा है 1,10,000, बेटा जरा टोटल करो, 50, 40, 1, 10, 2 लाख प्रॉफिट चाहिए, 2 लाख है कितना, 1,60,000 प्रॉफिट क्या हो गया, इनसफिशिएंट। और याद है ना, जब प्रॉफिट इनसफिशिएंट हो तो एप्रोप्रिएशन की रेशियो में बांटना है, एप्रोप्रिएशन मतलब जितना जितना सबको देना था,
because profit is insufficient. Therefore, the available profit will be distributed in ratio. कौन सी ratio? Ratio of appropriation. फिलहाल यहां मेरी appropriation की ratio कितनी है? That is कितना कितना देना था मैंने? 50,000, 40,000 और 110,000. तो रेशियो बनाओ. रेशियो क्या बनी? नहीं, 5:4:11 में बांटना है. ये कैच था इसमें. बस कर दो इसे पूरा. टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. कबीर, जोरावर, पारुल, 5:4:11 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो 1,60,000 को. सो दैट वुड बी 40,000, 32,000, 32,000 फिर आपका कितना आ जाएगा ये 40 और 88. ये इसमें पॉइंट था. करो से नोट बेटा.